लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या हुआ? ये कहां से इंपॉर्टेंट है? वो विंडो का लैच अड़ा हुआ था तो मैं उसे जोर से करने की कोशिश कर रहा था, हाथ कट गया। इतना गंदा कपड़ा क्यों लगाया इसके ऊपर? क्योंकि हमारे घर में बैंडेजेस नहीं है। उस पे रस लगा हुआ था, ये सेप्टिक हो जाएगा, तुम्हें टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। ओके मैडम। सुनो, गर्म पानी से क्लीन करो इसे, ओके? हमारे घर में गर्म पानी नहीं आता, गीजर नहीं है। ठीक है, मैं गर्म करके लाती हूँ, ओके? तुम बाहर आओ। ये क्या हुआ? लाइट चली गई। यार एक मच्छर तक नहीं पकड़ा जाता मुझसे। अब तुम ये मत कहना कि तुम्हारी वजह से ये मच्छर काट रहे हैं। जिस पोस्ट के लिए हम आपको हायर करना चाहते थे वो पोस्ट फिल हो चुकी है। मैं आपको कुछ और ऑफर कर सकता हूँ। लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, सेम पोजीशन पर नहीं होगा। पता नहीं पलक ये जॉब करेगी भी या नहीं। ऋषभ नून के साथ डील करना है एंड ऑल। वो उसका जेठ है ना? उसको जैसे टेस्ट ही दे दिया है आपने, अब देखते हैं कल क्या होता है। वैसे आपको क्या लगता है? यार सेतु, आई रियली नीड अ जॉब। घर चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। और इतफिक नहीं एडजस्ट कर पा रहा है यार। उसने कभी ये मिडिल क्लास लाइफ नहीं जी है। उसे देख के मुझे बहुत बुरा लगता है। देख पलक, आई नो इट्स ऑकवर्ड, पर ये एक मौका है तेरे लिए नूंस के करीब जाने के लिए। तुझे नहीं पता यार, वहाँ ऋषभ है और पलक, आई नो। रोहित ने मुझे बताया कि ऋत्विक की उसकी फैमिली के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं इस ऋषभ की वजह से। क्या हुआ एग्जैक्टली उसने नहीं बताया? एनीवे, वो तुम्हारी फैमिली का पर्सनल मैटर है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। पर लिसन, अगर तू उस ऑफिस में जाती है, ऋषभ होगा लेकिन वीपी अंकल भी तो होंगे ना, तू उनसे मिल सकती है, उनसे बात कर सकती है, यू कैन क्लियर थिंग्स आउट। एक मौका है तेरे लिए, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। और हाँ, एक चीज याद रखना, इस वक्त ऋत्विक को इस बारे में कुछ मत बताना। जस्ट गो देयर एंड सी व्हाट हैपेंस। नहीं मां, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सुन, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ओके बाय। जी मैं तुमसे मिलने आ रही थी ऋत्विक, लेकिन सांची की तबीयत अचानक खराब हो गई। तो अब ठीक है वो? मच बेटर। मैं तुमसे कल मिलने आऊंगी। अच्छा, ढेर सारी बातें करनी तुमसे। जी मां। सुनो मां, I love you. I'll see. चले? तुम जाके अपने कमरे में आराम कर लो। क्यों है? मैं गई थी ऋत्विक से मिलने, कांची की तबीयत खराब हो गई, नहीं मिल पाई। कल जाने वाली हूँ मैं। यही पूछने आए थे ना कि वो कैसा है। Wow, I'm impressed. Good morning, mademoiselle. Good morning. ये रहा आपका कुर्ता? ये उसके नीचे वाला उसको जो भी मिलता है। सलवार। मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? आपका ब्रेकफास्ट बाहर है। और मेरा बैग? आपका बैग यहाँ है। Good work. उसकी आयन खराब हो जाएगी। सो सॉरी। वैसे अगर आप चाहो तो ये स्लेव आपका आपके कपड़े भी चेंज करवा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। थैंक यू, पर कोई जरूरत नहीं है। मुझे दे दो रे। हैव टू बी ऑन टाइम। तुम्हारे पास टाइम होता कब? ये मिडिल क्लास जिंदगी में किसी के पास टाइम होता भी है? टू चेंज। इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ कैसे रही है? समझ नहीं। जाओ, सब तो मिडिल क्लास है यहाँ।
शबनून का मैसेज, मुझे थिएटर के बाहर मिलना अराउंड 3 PM। भाई आपके लिए। भाई वो आर के पामा वाला ना कल आने वाला था, बट वो कल आया नहीं, मगर वो आज डॉकेट लेके आ रहा है। तो मैं जानता हूँ, मैं 3 बजे उनसे मिल रहा हूँ, इंटरवल में उनसे डॉकेट ले लूंगा। तो भाई अगर आप कहो तो मैं रुक जाता हूँ, मैं ले लूंगा उससे डॉकेट। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ले लूंगा। मुझे वैसे भी उनके साथ कुछ डिटेल्स डिस्कस करनी है, तो ऑफिस जा। तो तुम फाइनली क्या करने वाले हो? Just making sure के पलक के काम का पहला दिन उसका आज भी हो। But mom का क्या? जो रिकी से मिलने वाली है? Don't worry, he's taking care of. आज mom और dad शिवम के स्कूल जाएंगे। अब तुम देखिए। आवाज़ बंद कर रहा है। आवाज़ तुझे पता था ये स्कूल यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जा रहा है लेकिन स्कूल नहीं जा रहा? मॉम मुझे कैसे पता होगा हम अलग अलग डिवीजन में ना? ये देख, ये स्कूल के लिए लीव के लिए नोटिसेस है, तो तूने साइन किया? मॉम नहीं, मैं कैसे साइन कर सकती, मेरी हैंडराइटिंग भी नहीं है। ये कैसे लगाऊंगी तुम सबको बैठ के? क्या हो रहा है? देखो आपके पुत्र के कारनामे, स्कूल में ये एप्लीकेशंस गए हैं कि हमारा बेटा बहुत बीमार है, नहीं आ सकता स्कूल। 1 महीने से ये स्कूल नहीं गया, स्कूल से नोटिस भी आ गया है। ये आपने साइन किया? मैंने तो साइन नहीं किया। ये तो बेबे के सिग्नेचर है। अजी लड़के को मैच खेलने जाना होता है। शिवम स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, मैच खेलने के लिए नहीं। क्या कर रहे हो आप? लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता चली? भला और ऋषभ का, उसने मुझे बता दी कि शिवम को जरूर कर रहा है, उसके बाद स्कूल से नोटिस भी आ गया। सारा पंगना ऋषभ भाई ने। हाँ हाँ सब कुछ तो ऋषभ ही करता, तू तो बिल्कुल धूत का दुलाया है ना। प्रिंसिपल का फोन आया स्कूल जाना मिलने। और कम टेंशन है मेरे सर पे, तू और थोप दे, खोता ना होवे ता। कभी जाना है? अभी इसी वक्त। अंदर बैठा चुप करके। सॉरी सेतु। हाँ पलक और ऋत्विक कैसे हैं? ठीक है दोनों, बोथ आर डूइंग गुड। मैंने एक्चुअली सुना कि रीवा ने क्या किया पलक के साथ। अनन्या क्या हम ऋत्विक और पलक को मिलाने के लिए कुछ कर नहीं सकते? आई मीन रीवा से शुरुआत करते हैं ना, ऋत्विक और पलक को नून से मिलाने के लिए। सेतु यू आर राइट। या मैन हम पहले रीवा को सॉर्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे पूरी फैमिली की टेंपर डाउन हो जाएगी। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। क्या मैं थिएटर के बाहर हूँ, आपने कहा था 3 PM, इट्स 5 PM नाउ। सॉरी एक मीटिंग आ गई, मुझे जाना पड़ा, तुम मुझे ऑफिस में मिलो एट अराउंड 7 o'clock। हेलो। हाय ब्यूटीफुल। डॉकेट दे दिया? नहीं ऋत्विक में डॉकेट नहीं दे पाई, वो क्लाइंट ने अब ऑफिस बुलाया, बोला है 7 बजे तक आने के लिए। ये किस तरह के लोग हैं यार, हाउ अनप्रोफेशनल, हु आर दीस पीपल? मुझे भी नहीं पता एक्चुअली। सुनो मैं डिनर तक वापस आ जाऊंगी, डोंट वरी। ओके वैसे रोहित भी घर पे, हम लोग कुछ आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं मेरे स्टार्टअप के लिए, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। आई नो, आई विल सी यू, बाय बाय। एक्सक्यूज मी, आपने मिस्टर ऋषभ नून को इन्फॉर्म किया है ना कि मैं उनका बहुत देर से वेट कर रही हूँ? हाँ मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, आप बैठिए, वो आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में। सॉरी मामा अंदर नहीं जा सकते हो सर, मीटिंग में आप रिसेप्शन एरिया में वेट कीजिए प्लीज। पर उन्होंने मुझे बुलाया था मीटिंग के लिए, आप प्लीज एक बार उनको इन्फॉर्म तो कीजिए। मैम नहीं, मुझे बोला गया है, आप वेट कीजिए प्लीज।
हाय पलक, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। आई नो, तुम ऋषभ से मिलने आई हो ना? वो क्या है ना कि ऋषभ इज वेरी बिजी राइट, वो अभी तो नहीं मिल सकता, बट ही सेड तुम्हें घर पे मिलेगा। ये फाइल आप भी उन्हें दे सकती हैं, प्लीज आप उन्हें दे देंगी? सॉरी पलक, मैं ये फाइल नहीं ले सकती, वो क्या है ना, इट्स योर ऑफिशियल फाइल एंड I just don't want to get into this. You do one thing, tum ek ghante mein noon's pension mein aa jao and you'll feel there. Isse dad ko bhi guys, chalo dinner ka time ho gaya. Chinese laayi hai tumhare liye. Wow, mujhe to smell se bhook lag gayi, aa ja. Chili chicken? Wow, laa. Fried rice? Palak ka? Pata nahi yaar, call karta hu. हेलो, हाँ ऋत्विक। हाय डॉक्टर पलक। कहाँ पर हैं आप और कितना टाइम लगेगा? वो मैं ना क्लाइंट के साथ कुछ डिस्कस कर रही हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँ? तो हेलो, हेलो, बैटरी डेड हो गई, पावर बैंक भी नहीं है मेरे पास। यार ये लड़कियाँ ना अपना फोन चार्ज करती हैं, बंद हो गया यार। पलक, तुम यहाँ क्यों वेट कर रही हो? तुम जानती हो ना कि तुम्हारी वजह से हमारे घर में पहले इतना तमाशा हो चुका है। फिर तुम यहाँ अंदर क्यों आ गई? तुम ऐसा करो, बाहर कहीं वेट करो प्लीज, और ऋषभ जैसे ही फ्री होगा ही विल कॉल यू, ओके? प्लीज जाओ। पलक ने कहा था डिनर टाइम तक आ जाएगी, सिर्फ तुम्हें मालूम है ये लोग कौन। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं अपना काम प्रोफेशनली करने आई, कभी यहाँ वेट कभी वहाँ वेट। गो होम और अपना मुंह ज्यादा मत चलाओ। डोंट फॉरगेट हु यू आर। बच गए यार, पलक ने कहा था डिनर टाइम तक आ जाएगी, से तो तुम्हें मालूम है ये लोग कौन है। वो आदि क्लाइंट नहीं, मेरी इस बारे में कुछ बात ही नहीं हुई पलक से, पता नहीं कहाँ है वो। नो समथिंग इज नॉट राइट, 12 बज गए और पलक ने कोई मैसेज नहीं भेजा, कोई कॉल नहीं किया। आई डोंट हैव अ गुड फीलिंग अबाउट दिस। चल चल चलते हैं। आई होप पलक ठीक हो। एक्सक्यूज मी जी, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? थोड़ा सा अर्जेंट है प्लीज। ये लीजिए। हेलो सर, मैं पलक नून बोल रही हूँ। हाँ बोलो। आप शायद भूल गए हैं पर मैं आपको फाइल देने आई थी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं अंदर आके दे देती हूँ। नहीं नहीं अंदर मत आना, मैं बाहर आता। ओके ये फाइल, रात के 1 बज रहे हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं यहाँ अपना काम प्रोफेशनली करने आई थी, कभी यहाँ वेट कभी वहाँ वेट, और आपको ये सब करने की कोई जरूरत भी नहीं थी। गो होम और अपना मुंह ज्यादा मत चलाओ। डोंट फॉरगेट हु यू आर। गार्ड, ध्यान रखना आइंदा ये इस घर में घुसने ना पाए। डैड, पलक आई थी, अपेरेंटली आरके फार्मा वालों ने उसे हायर किया है। ये वही लोग हैं जिनके साथ हम वो कैंसर मेडिसिन का जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, एंड शी विल बी वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट विद अस। डैड, मैंने उसे बोला था ये फाइल मुझे दोपहर को देने के लिए, अभी देके गई है और इतनी रूडली मुझसे बात की, इतनी बदतमीजी से मुझसे बात की। डैड, अगर वो रिकी की वाइफ नहीं होती ना, आई वुड हैव गिवन इट बैक टू हर। यू शुड हैव। रिकी को भी तो पता चले कि कितनी घटिया लड़की से शादी की है उसने, हर तरीके से परेशान करके रखा हुआ है हमें। यार मेरे ख्याल से आपको उसके अगेंस्ट एक फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च करनी चाहिए। जस्ट स्पीक टू द आरके गाइस। आई विल डू दैट। आई विल मेक श्योर कि पलक इस प्रोजेक्ट पे काम ना करे। मैम ये लीजिए, विक्रांत सर ने आपके लिए भेजा है।
रोकना डांट थे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, क्यों छुपा के रखी तुमने ये बात मुझसे? आप लोग प्लीज मेरी हेल्प कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं मैडम। एक रात का कितना लोगी? अरे ये तो बहन जी है, क्या करेगा। अरे बहन जी भी चलेगी यार। नहीं, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। अरे रे रे। अरे बता तो दो। अरे एक रात के लिए चलो। अरे डबल पैसा ले लो। हाथ छोड़ो मेरा। एक रात की बात, एक रात की बात है बस। गन तुम लोगों के पास? नहीं, गन तो नहीं है। वेरी गुड। क्या किया इन लोगों ने? हाँ, क्या हुआ यहाँ पे? हमने कुछ नहीं किया, इसने हमारी हड्डी पसली तोड़। चल चलो भाई, भाग यहाँ से। चल। क्या हुआ? वो लोग मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। I set them straight। ठीक तो हो ना तुम पलक? तेरा टाइकोंडो काम आ गया। हाँ बीबी, फाइन ना सबको? जस्ट रिमाइंड मी, हाँ तुम्हारे साथ कभी बदतमीजी नहीं करूंगा मैं। चलो बस, और नहीं रोना। ऑन अ सीरियस नोट, कहाँ रह गई थी? एक मैसेज तो भेज सकती थी ना। कैसी कंपनी है जो तुम्हें रात को 12-1 बजे तक घुमा रही है? इट्स नॉट द कंपनी ऋत्विक, वो जो क्लाइंट है ना। पलक, एक काम करते हैं, घर चल के बात करते हैं। हाँ, घर चल के बात करते, चलो। हाँ चलो, घर चलते हैं। ऋषभ ने लिखा है कि पलक ने उसके साथ बदतमीजी की, उसे डॉकेट की डिटेल एक्सप्लेन नहीं की और डॉकेट उसे बहुत देर से मिला, और अगर हमने पलक को इस प्रोजेक्ट पे रखा तो वो लोग हमारे साथ काम नहीं करेंगे। आपको लगता है पलक ने ऐसा किया होगा? नॉट एज पर माई सोर्सेस। अब आप बताइए आगे क्या करना है। हेलो, एम आई स्पीकिंग टू मिस्टर विक्रांत रहेजा प्लीज? यस। हाय, दिस इज विजयपथ नून। जी बोलिए। जी मैंने आपको एक फॉर्मल लेटर ऑफ कंप्लेंट लिख के दिया है, आपने पढ़ा होगा। जी हाँ, पढ़ लिया। देखिए हमारी तरफ से बात बिल्कुल साफ है, अगर ये लड़की पलक आपकी कंपनी के लिए काम करेगी तो हम आपकी कंपनी के साथ काम नहीं करेंगे। उस लेटर में मैंने सारे रीजन पॉइंट आउट कर दिए हैं। ओके फाइन। क्या बना? उन्हें हमारी कंडीशंस मंजूर है। That's great. क्या यम्मी टोकरा बनाया यार, और ग्रीन चटनी सुपर ऑसम। तो खा के अच्छा खाना बना लेते। यू नो व्हाट, मास्टर शेफ में पार्टिसिपेट करो, पक्का जीतोगे। इतना बार मत दो। क्या हुआ, इतना सीरियस क्यों? कल रात को रोहित और सेतु थे, इसलिए बात। सुबह तो मैं तैयार होना था, जल्दी थी, इसलिए बात। पलक, कौन था तुम्हारा एक क्लाइंट जिसने तुम्हें सारा दिन भगाया था सुबह रात तक? मुझे बताओ, क्योंकि मुझे इसके बारे में अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। बताते हैं। मैम ये लीजिए, विक्रांत सर ने आपके लिए भेजा है। Thank you.
ढूंढ रहा है। ब्रुकलैंड डैड थे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं पलक? हाँ, क्यों छुपा के रखी तुमने ये बात मुझसे? जब मुझे जॉब मिली तो मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी फैमिली से मुझे डील करना पड़ेगा, और जब मुझे पता लगा तो मैंने सोचा कि ट्राई कर लेती, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। एंड ऑब्वियसली मैं तुम्हें बताने वाली थी। कब बताने वाली थी तुम मुझे ये पलक? कल रात को। मुझे बताओ तुमने इतनी देर कैसे देखा? डैड से मिली तो? फिर किससे मिली? बोलो पलक, इतनी देर कैसे लगी कल तुम्हें? बोलो क्या हुआ था कल? ऋत्विक, मुझे फाइल ना ऋषभ को देनी थी, बहुत का ही मैसेज आया था मुझे, उन्होंने मुझे थिएटर के बाहर बुलाया, वहाँ वेट करवाया, फिर ऑफिस के बाहर बुलाया, वहाँ वेट करवाया, फिर घर के बाहर बुलाया, वहाँ वेट करवाया, आधी रात तक। तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई पलक? हाँ, क्यों छुपा रही थी ये सब? फिर तुम अपनी फैमिली को लेके इतना स्ट्रेस तो ऑलरेडी, मैं तुम्हें ये सब कैसे बता सकती थी? अरे बट I'm so sorry. छूट गया। Quit now. ये नाटक ये सिर्फ तुम्हें ह्यूमिलेट करने के लिए है पलक। ट्रस्ट मी, ये सिर्फ शुरुआत है, छोड़ दो अब। Don't do it for me, please, पलक। कितना अपने आप को ह्यूमिलेट करोगी? हाँ, मुझे तेरी बीवी पर भरोसा नहीं है, और जब तक तू गलत के साथ है मेरे लिए तू भी गलत है। तू इस घर से बाहर निकल जा, तुझे अपना बेटा कहने में मुझे शर्म आ रही है। तुम मत कहो ना डैड, करो तुम लोगों को जो करना है तुम लोग वो करो। मैं इस घर से अपना रिश्ता तोड़ता हूँ। आई एम डन।